हेलो फ्रेंड्स आज हम क्लास टेंथ के सिविक्स के चैप्टर फोर का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं अगर आप इतना ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं तो एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा इनमें से कौन सा एक कथन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है तो बहुसंख्यकों का शासन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्नलिखित किन मुद्दों पर सफलता पाई है तो बहुमत समूह और अल्पमत समूह के साथ एक सा व्यवहार करता है लोकतंत्र आज दुनिया के लगभग कितने देशों में लोकतंत्र है तो सौ देशों में लोकतंत्र में चुनावों में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों का अपने प्रतिनिधित्व को चुनने का अधिकार किसे रहता है तो जनता को किसे फैसलों में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है तो गैर लोकतांत्रिक शासनों में लोकतंत्र के परिणामों के मूल्यांकन का सही आधार क्या होता है तो विविधताओं का साम्राज्य किसी व्यवस्था के फैसलों में व्यक्तिगत लोकतंत्र के परिणामों के संदर्भ में सही कथन कौन सा है तो लोकतंत्र विविधताओं में सामंजस्य लाने में सक्षम होता है यानी जो डाइवर्सिटी देश में मौजूद होती है उसको डील करने में लोकतंत्र एक बहुत ही अच्छा शासन साबित होता है बिहार में पंचायती राज संस्थाएं कैसी होती है तो त्रिस्तरीय बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने सीटें आरक्षित है फिफ्टीन परसेंट फिफ्टी परसेंट लोगों के बीच नियमित संवाद की गुंजाइश किसमें बनी रहती है तो लोकतंत्र में इनमें कौन सा तत्व लोकतंत्र की स्थापना में बाधक होता है तो अशिक्षा अगर व्यक्ति पढ़े लिखे और शिक्षित नहीं होते हैं तो लोकतंत्र की स्थापना में काफ़ी मुश्किलें आती हैं लोकतंत्र में सरकारें किसके प्रति उत्तरदायी होती है तो जनता के प्रति विश्व में कौन सी शासन व्यवस्था को सबसे अच्छा माना जाता है लोकतंत्र ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि लोकतंत्र व्यवस्था अभी तक की सबसे सबसे अच्छी व्यवस्था है लेकिन इससे पहले जितनी भी व्यवस्थाएं हुई है उनमें से लोकतंत्र बेहतर है लोकतंत्र में भी बहुत सारी कमियां देखने को मिलती है वर्तमान के युग में भी आप इसको देख सकते हैं इसलिए ऐसा नहीं है कि बेस्ट लेवल ऑफ सरकार लोकतंत्र है लेकिन अभी तक में लोकतंत्र ही सबसे अच्छी है किस सरकार के कार्यों का मूल्यांकन जनता भय के कारण नहीं कर भय के कारण नहीं करती है तो तानाशाह सा, तानाशाहों में वहाँ पे जो है तानाशाही शासन रहता है जनता भय के कारण कुछ बोल नहीं पाती है किस सरकार के चुनाव नियमित रूप से होते हैं तो लोकतंत्र में चुनाव नियमित रूप से होते हैं भारत देश में भी चुनाव नियमित रूप से ही होते हैं किस सरकार में फैसला लेने में विलम्ब होता है तो लोकतंत्र में क्योंकि जैसे कोई तानाशाही शासन है तो उसमें से एक ताना सा फैसला लेता है उस पर काम होना स्टार्ट हो जाता है लेकिन लोकतंत्र में बहुत सारे लोग रहते हैं ग्रुप ऑफ पीपल रहते हैं जो कि अपने अपने विचार देते हैं डिस्कशंस होते हैं क्या सही है क्या गलत है तो ऐसे में फैसला लेने में देरी हो जाती है निम्नलिखित में से कौन सा गुण लोकतंत्र से मेल नहीं खाता है तो बहुत संख्यकों का शासन बहुत संख्यकों का मतलब होता है वैसे पार्टिकुलर ग्रुप जो कि काफ़ी संख्या में किसी पार्टिकुलर देश में मौजूद रहते हैं तो अगर उनका शासन होगा तो ये लोकतंत्र के खिलाफ है लोकतंत्र क्या होता है तो एक राजनीतिक व्यवस्था है एक पॉलिटिकल सिस्टम निम्न में से कौन सा कारक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं के अनुरूप होता है तो वो होता है ये सभी भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आय कितनी है तो अठारह अच्छा वर्ष यानी इतने पे लोग वोट कर सकते हैं लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है तो विकास दोस्तों इस रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें जितने भी वीडियोस हैं बिहार बोर्ड के जितने भी गेस्ट पेपर हैं सभी के मटेरियल्स इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं आप जाइए और वीडियो को देखिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए